बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आयोजित होने वाली इंटरमीडिएट की परीक्षा को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने तैयारी पूरी कर ली है। गुरुवार से इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू होनी है। इसको लेकर बुधवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने भागलपुर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी ने मोक्षदा बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज में बनाए गए आदर्श परीक्षा केंद्र का निरीक्षण करने के बाद कहा कि जिले में परीक्षा की सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने के लिए कई तरह की तैयारियां की गई है। उन्होंने बताया कि सभी परीक्षार्थियों को समय पर सेंटर पहुंचना अनिवार्य है, विलंब होने पर केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा एग्जाम के दौरान किसी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जबकि ठंड को ध्यान में रखकर सेंटर पर परीक्षार्थियों को जूता मोजा पहनकर प्रवेश करने की अनुमति दी गई है, लेकिन परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश के दौरान सभी की गहन जांच की जाएगी। बता दें कि शिक्षा विभाग के अनुसार पूरे बिहार में इंटरमीडिएट की परीक्षा में 13,04,352 परीक्षार्थी शामिल होंगे, जिसमें 6,77,921 छात्र और 6,26,431 छात्राएं शामिल है। वहीं भागलपुर जिले में कुल 50 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 20,718 छात्र और 18,775 छात्रा समेत कुल 39,493 परीक्षार्थी शामिल होंगे। शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों ने बताया कि इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए भागलपुर सदर में 30, नवगछिया में 6, नाथनगर में 4, कहलगांव में 6 और सबौर में 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 4 स्कूलों को आदर्श परीक्षा केंद्र बनाया गया है। बता दें कि परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे और प्रवेश के पहले 2 लेयर में परीक्षार्थियों की जाँच की जाएगी, जबकि सभी केंद्रों पर मजिस्ट्रेट और CCTV कैमरा की निगरानी के साथ साथ सुरक्षा बलों की भी तैनाती रहेगी। कल से 2024 की इंटरमीडिएट की एग्जामिनेशन प्रारंभ होने जा रही है और हम लोग ऐसे किसी तैयारी के सिलसिले में विद्यालयों में ऐसे विजिट कर रहे हैं। आप लोग सब लोग जानते हैं कि इसकी तैयारी हम लोग 10 दिन पहले से शुरू कर दिए हैं। 3-4 दिन पहले टीचर्स का रैंडमाइजेशन से इन्विजिलेटर के रूप में पोस्टिंग भी हो गई है। अब केवल एक ही चीज़ बची थी कि ये सारे बच्चों को बैठने के लिए सीट प्लानिंग हुई है कि नहीं, तो सारी जगह सीट प्लानिंग भी हो गई है। टीचर्स भी ऐसे इन्विजिलेटर के रूप में कार्य करने के लिए पर्याप्त मात्रा में आ चुके हैं। विद्यालय भी मेरा खुला रहे जिन विद्यालयों में एग्जामिनेशन नहीं हो रही है, और एग्जामिनेशन जहाँ पर एग्जामिनेशन हो रहे हैं वहाँ मतलब बेहतर ढंग से संचालित हो, किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं। भारत निर्वाचन आयोग के मानक और निर्देशानुसार पूरे बिहार में बड़े पैमाने पर पुलिस विभाग के पदाधिकारियों और थाना अध्यक्षों का तबादला किया गया है। इसको लेकर भागलपुर SSP आनंद कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार की देर शाम समीक्षा भवन में पुलिस विभाग के अधीनस्थ पदाधिकारी समेत सभी थानेदारों के साथ बैठक की गई। बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक ने बेहतर पुलिसिंग को लेकर कई पदाधिकारियों की सराहना की, साथ ही उन्होंने DGP के द्वारा दिए गए निर्देशों की सभी पुलिस पदाधिकारी और थानेदारों को जानकारी दी। वहीं बैठक के बाद SSP आनंद कुमार ने बताया कि भागलपुर जिले के विभिन्न थाना में पदस्थापित थानेदारों का स्थानांतरण कर दिया गया है, जिसमें कुछ थानेदारों को मुख्यालय बुलाया गया है जबकि कई थानेदारों को दूसरे जिले भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि DGP के निर्देश पर भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुरूप कार्य को लेकर पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, जबकि पुलिस के गलत व्यवहार में भी जीरो टॉलरेंस के साथ पुलिस सेवा से जुड़े अधिकारियों को अविलंब पहुंचकर लोगों की शिकायत एवं फरियाद सुनने की बात कही गई है। बता दें कि जिले के अधिकतर थाना के थानेदारों को क्लोज कर दिया गया है और दूसरे जिले से थानेदार भागलपुर आ रहे हैं। वहीं इतने बड़े पैमाने पर थानेदारों का स्थानांतरण को बिहार में हुए नई सरकार गठन और लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। बैठक में CTSP, प्रशिक्षु IPS, CTDSP सहित इंस्पेक्टर और सभी थानेदार मौजूद थे। मीटिंग सभी थानाध्यक्ष और इसमें सभी अपर थानाध्यक्ष के साथ बैठक थी और बड़े पैमाने पर यहाँ पर इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर जो कि थानाध्यक्ष के पद पर पदस्थापित थे उनका स्थानांतरण हुआ है, तो उस संदर्भ में भी एक ही बैठक थी और इन लोगों ने पिछले एक साल में बहुत अच्छा काम किया है, चाहे वो अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में हो, अपराध के उद्भेदन के क्षेत्र में हो
किया विधि व्यवस्था संधारण के क्षेत्र में, और आज एक मीटिंग भी हुई थी पुलिस मुख्यालय स्तर पे, उसमें भी जो भी दिशा निर्देश दिए गए थे जो बिहार पुलिस का मोटो है जनसेवा, तो उसमें कुछ एक्शनेबल पॉइंट्स थे, एक एक 38 बिंदुओं पर, एक एक बिंदुओं पर विस्तार में सभी थानाध्यक्ष और उनके जितने कनीय पदाधिकारीगण हैं उनको बताया गया, और उसमें उनको टारगेट्स भी दिए गए कि हम लोगों को ये सारे बिंदुओं पर काम करना है और अगले 2 माह में लगातार इस पर काम करते हुए अच्छा रिजल्ट हासिल करना है। भागलपुर में भोलानाथ पुल फ्लाईओवर को लेकर भोलानाथ रेलवे अंडरपास के दोनों ओर बैरिकेडिंग कर दी गई है, जिससे इशाकचक और डिक्सन मोड़ के बीच का रास्ता बंद हो गया है और 12 नवंबर से ही वैकल्पिक मार्गों पर वाहनों का दबाव बढ़ गया है, जिस कारण गोरट्ठा चौक, बिकनपुर चौक, घंटाघर चौक, तिलकामांझी चौक, लोहिया पुल समेत शहर की अन्य सड़कों पर दिन भर जाम लगा रहता है। बता दें कि भोलानाथ पुल फ्लाईओवर का निर्माण बड़ी तेजी से किया जा रहा है। इशाकचक पासीटोला में 3 पिलरों के कैप का कार्य पूरा हो चुका है, 4th पिलर में कैप ढालने का कार्य अभी जारी है। पासीटोला में कैप का काम पूरा होने के बाद सभी 7 पिलरों को ढाला जाएगा, होली तक सभी पिलरों का काम पूरा हो जाने की संभावना है। इधर पेट्रोल पंप के सामने डिक्सन रोड पर पाइलिंग का कार्य रात भर जारी रहा, बारिश के मौसम में नालियों से होकर नहीं गुजरना पड़े, बस इसी उम्मीद को लेकर भागलपुरवासी रोज जाम और धूल की समस्या को बिना किसी शिकवा शिकायत के झेल रहे हैं। कृषि भवन भागलपुर में राज्य कृषि यंत्रीकरण योजना अंतर्गत चल रहे 2 दिवसीय कृषि यंत्र मेला का समापन जिला कृषि पदाधिकारी ने बुधवार को किया। इस दौरान जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि खेती एवं मजदूरी को सहज व सरल बनाने में कृषि यंत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। कृषि में परंपरागत तरीके से छोटे बड़े उपकरणों का हमेशा से उपयोग किया जाता रहा है, अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बदलते इस काल में किसानों को नई टेक्नोलॉजी से लैस उपकरणों की आवश्यकता है, जिस कारण मेला में बाइंडर, सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर समेत फसल अवशेष प्रबंधन में उपयोगी अन्य मशीनों की जानकारी दी गई। बता दें कि मेला के पहले व दूसरे दिन कुल 35 किसानों ने 14,27,000 रुपये अनुदान राशि के यंत्रों की खरीदारी की। वहीं कृषि अभियंत्रण के सहायक निर्देशक ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा कृषि यंत्रीकरण योजना अंतर्गत 8 फरवरी 2024 से 11 फरवरी 2024 तक पटना के गांधी मैदान में एग्रो बिहार मेला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी जिला के कृषक भाग ले सकते हैं। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराए तथा सुनने की मशीन लगवाए। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600।
केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए बढ़ चढ़ कर प्रयास किया जा रहा है। सरकार की इस पहल के कारण अलग अलग क्षेत्र में शामिल होने वाले खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में भागलपुर किलकारी बाल भवन के बच्चों ने भी पटना में आयोजित कराटे चैंपियनशिप 2024 में 31 मेडल पर कब्जा जमा कर अपने राज्य के साथ प्रशिक्षकों का नाम भी रोशन किया है। बता दें कि कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत इंस्टीट्यूट ऑफ मार्शल आर्ट एंड बिहार साइको काई कराटे इंटरनेशनल इंडिया की ओर से आयोजित टूर्नामेंट में भागलपुर किलकारी के 16 बच्चों ने हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने 8 गोल्ड मेडल, 10 सिल्वर मेडल और 13 कांस्य पदक समेत कुल 31 पदों पर कब्जा जमाया। प्रतियोगिता में स्वर्ण जीतने वालों में गणेश, सिमकित, सारा अली, सुमन, रोमा, लाडो और ऋतुराज शामिल हैं, जबकि प्रियम, अभिषेक, पूजा समेत अन्य खिलाड़ियों ने सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीता। वहीं इसको लेकर बुधवार को भागलपुर किलकारी बाल भवन के सभी विजेता बच्चों का उत्साहवर्धन किया गया। किलकारी कराटे के प्रशिक्षक कुंदन कुमार ने बताया कि खेलकूद में बच्चों और युवाओं को दिए जा रहे प्रोत्साहन के कारण बच्चे बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और हर प्रतियोगिता में मेडल जीतकर अपनी पहचान बना रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आमतौर पर बच्चियों को खेलकूद की स्वतंत्रता नहीं दी जाती थी, लेकिन समय के साथ इसमें भी काफी बदलाव हुआ है। वहीं स्वर्ण जीतने वाली एक छात्रा ने बताया कि बेटियों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए उनके घर वालों के साथ समाज का भी सहयोग जरूरी है, जबकि बेहतर ट्रेनिंग के बल पर बेटियां कई बड़े टूर्नामेंट में भी बेहतरीन प्रदर्शन कर सकती हैं। ये पटना में हुआ था और मैं वहाँ से गोल्ड मेडल लाई, मुझे बहुत खुशी हुई और ये सारा थैंक यू हम सर को बोलना चाहते हैं, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिया। उनका बहुत अच्छा है, वो पूरा ही मतलब सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ने में, सपोर्टिव है। अपने बच्चों पर बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और खास करके बच्चियां जब इस आत्मरक्षा के गुण को सीखकर अपने ये को प्रस्तुत की हैं तो काफ़ी मन खुश है, काफ़ी खुश है। भागलपुर जगदीशपुर प्रखंड के चांदपुर पंचायत के उपमुखिया राजकुमार साह पर वार्ड सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन देकर समय निर्धारित करने की मांग की है। बता दें कि त्रिपुरा रीसा, प्रमोद ताती, मोती यादव समेत पंचायत के 12 वार्ड सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव के आवेदन पर हस्ताक्षर करते हुए बताया कि वर्तमान उपमुखिया जनता के विकास कार्यों को दरकिनार कर केवल अपने निजी स्वार्थ के कार्यों का ध्यान देते हैं। इसके अलावा वार्ड सदस्यों ने उपमुखिया पर उनकी बातों को अनसुना करने का भी आरोप लगाया है। भागलपुर सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन परिसर में बुधवार को सुल्तानगंज के अधिवक्ता सह समाजसेवी राजकुमार समेत अन्य राजनीतिक संगठनों के द्वारा 4 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान अधिवक्ता राजकुमार ने बताया कि उनकी मांगों में सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन में सभी ट्रेनों का ठहराव, पैसेंजर ट्रेन में कोरोना काल के दौरान बढ़ाए गए किराए को कम करना, सीनियर सिटीजन के लिए विशेष सुविधाएं एवं देवघर सुल्तानगंज परियोजना का कार्य पूरा होने पर सुल्तानगंज से देवघर जाने के लिए रेल की मांग शामिल है। धरना में भाजपा नेता संजय चौधरी, जदयू नेता सुधीर कुमार प्रोग्रामर एवं जन संसद के संरक्षक अजीत कुमार ने भी अपनी अपनी बातें रखी। मौके पर मुकेश कुशवाहा, विभूति यादव, विनोद रजक समेत अन्य सामाजिक संगठन के सदस्य मौजूद थे। रेलवे विभाग के द्वारा जो सीनियर सिटीजन को पहले रियायत दिया जाता टिकट में और वो सब मतलब की रियायत खत्म कर दी गई है, पुनः रियायत बहाल करने के लिए। भागलपुर के जगदीशपुर थाना में पदस्थापित सैप जवान वीरेंद्र कुमार सिंह को सेवानिवृत्ति पर बुधवार को ससम्मान विदाई दी गई। विदाई समारोह में उन्हें पुष्प गुच्छ एवं अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं जगदीशपुर थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार ने बताया कि सेवानिवृत्त सैप जवान ने बिहार पुलिस में रहते हुए बहुत ही जिम्मेदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। इसके पूर्व करीब 18 वर्षों तक उन्होंने सेना में रहकर देश की सेवा की है। वीरेंद्र कुमार सिंह ने 2010 में बिहार पुलिस में सैप जवान के रूप में अपनी सेवा शुरू की और 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हुए। मौके पर उपस्थित एसआई कृष्ण कुमार राय, शैलेंद्र कुमार सिंह, ओम प्रकाश सिंह, लक्ष्मण प्रसाद शाह सहित थाना के सभी पुलिसकर्मी एवं सैप जवानों ने उन्हें धन्यवाद दिया और गले लगाकर विदाई दी।